दोस्तों आपको तो पता ही है उत्तराखंड में बहुत फल और फूल होते हैं, तो इनमें से एक है काफल। तो आज हम निकल चुके हैं काफल लेने, जो कि हिमालय क्षेत्रों में कम और गर्म इलाके में ज़्यादा मिलता है, जैसे कि चीड़ के पेड़ों के बीच ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपको दिख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे काली काली काफल रसीलेदार। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम अपने इस ट्रैक में और अभी हम पेड़ के अंदर से बाहर आ रहे हैं। देखो यार कैसा रास्ता लगा हुआ है, तो सारी डिटेल आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगी। और काफल की बात की जाए, काफल हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा बिंदेश्वर के डांडे में मिलते हैं, तो अभी हम बिंदेश्वर के डांडे में ही जा रखे हैं। तो आगे ब्लॉग में आपको सब पता चल जाएगा, हम कहाँ से हैं, क्या हैं, कहाँ से गए, कितना किलोमीटर गए, सब आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो चलिए, हेलो गाइस, तो आज की वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। हम गांव से बहुत दूर आ चुके हैं और आज हम जा रहे हैं काफल के लिए। और आप सोच रहे होंगे कि आज एसडी पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे कौन ब्लॉग बना रहा है, तो ये रहा हमारा एसडी पहाड़ी भाई, पीछे से आ रहा है। नमस्कार। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं काफल के लिए और हमको जाना है अभी कितने किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर में जाना पड़ेगा, 10 किलोमीटर में जाना पड़ेगा। और हमको जाना है बहुत दूर, वहाँ को कहते हैं चौना की हार। तो गाइस आगे से जा रही हमारी छपरी गैंड। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, कुछ तो बोलो। मुंह दिखाने के लायक नहीं है शायद, मुंह धोके नहीं आ रखे हैं सुबह सुबह। कोई नहीं, आगे धुल लेंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मलिकेत। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग तो कब की हो चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, काफल लेने जा रहे हैं यार, जो कि उत्तराखंड का एक फूड है, उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है, जो कि विंध्येश्वर के डांडे में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सभी दोस्त जा रहे हैं और एक नीचे सहारा है। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। एम सुरेन भी स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। अभी तो ये जंगल है, तो चलो मिलते हैं आपको आगे, क्योंकि हमें लगभग 10 किलोमीटर की रौंद में जाना है और 10 वापस भी आना है। तो चलो, आजकल हो रहा है मुझे जुकाम, आवाज़ भी बदली सी आ रही होगी। तो आपको पता ही है, जब कुछ कमीने दोस्त मिलते हैं तो जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हैं तो उसी चीज़ की बातें होती है। तो यहाँ पे चल रही है अभी फिलहाल फ्री फायर की बातें, क्या ही बताओ, है ना राकेश? सही। तो देखो नींबू को, तो दोस्तों काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, फाइनली पहुंच चुके हैं स्वर्ग के बीच। देखो स्वर्ग के बीच पहुंच चुके हैं और आज ना मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं पत्ती, ये देखो, जय हो भगवान। तो देखो रास्ता कुछ इस प्रकार से है और यहाँ कोहरा लगा हुआ है जंगलों में, इन दिनों भी धुंध भी है। देखो धुंध ही आएगी, कोहरा है, समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे ये नदी है, इस नदी को हमें पार करना है 9 बार अभी फिलहाल, क्योंकि हम आधे से कट करने वाले हैं रास्ता। तो 8 बार हो चुका है आर पार, चलो और करेंगे। ये हैं अपने दोस्त, और ये वाला भाई ना, क्या हो गया रे, चुपचाप क्यों हो रहा है तू? मुझे लग रिया से तेरी फंटी का कॉल नहीं आया आज, नहीं मिली। अरे यार किसी को पसंद आ रही है ले लौंडा। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम मेन जो यहाँ का मार्ग है बिंदेश्वर का, और इनकी हालत बिल्कुल टाइट हो रही है। तो अभी हमें यहाँ से जाना है नीचे और यहाँ से भयंकर व्यू दिखता है, बट आज कोहरा लगा हुआ है, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। तो गाइस देखो यहाँ पूरी की पूरी धुंध पड़ी हुई है, ये है चौथा इलाका और हमें जाना है उस वाली धार पे, वो जो नीचे दिखाई दे रही है आपको। देखो यहाँ कितना मस्त व्यू है, आज यहाँ कोहरा लगा हुआ है, नहीं तो मस्त दिखता है, आज तो धूप भी नहीं है, देखो कैसा हो रखा है। तो
तो दोस्तों देखो कुत्ते ना यहाँ किसी के खरक है और कुत्ते भाई कुत्ते भाई 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 मत करना यार थाम्बा भाई आजा भाई बच गए तो यहाँ पे देखो ओई होई क्या चादर वाला सेट लगा हुआ है भाई यहाँ देखो ये है एक खरक यहाँ पे दिख रहा है जो आपको हेलो भैजी नमस्कार कहाँ फलता कैची हाई 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 इसके लिए क्या बोलते यार नहीं जिंजरे ये देखो ये पेड़ से निकलते हैं अरे कुछ ए भाई मेरे पास क्या मिलना तेरे को तो देखो भाई ये है गांव से दूर शहर से दूर एक लाइफ देखो जैसे हमें दूध अतौली में मिले थे बट यहाँ टीन है भैजी टीन कब लगे तुम यार या लागे छे क्या आग खरक बजान बुझ के इन जगह ना क्या बिलनो तो बिलनो में हम पहुंच चुके हैं और अभी हमें जाना है इस साइड तो चलो कब बस भैजी अभी और बाद में कहाँ फल आई ना बस दो मछिया एक मो बस कितनी मोर है नहीं दुई 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 मोर है नहीं तौल भी खरक उत नहीं अब बन गई तो चलो भाई चलते हैं काफल लेने तो गाइस फाइनली धारा पे पहुंच चुके हैं और ये देखो यहाँ पे धारा है भाई बोतल क्यों फेंक रहा है यार ये देखो यहाँ का नाम क्या है कोई बता सकता है कोंकाल की धारा है ये जंगल में कौन देख रहा है चश्मा हमें दिखा रहा है केवल तो फ्रेंड्स हम सुबह निकल गए थे घर से 6 बजे और यहाँ 8 बज चुके हैं अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे कि जहाँ हमें काफल लेने जाना है आज बुआरी कुछ यानी अब बुआरी ठीक है तो दोस्तों अभी हम इस पेड़ में जा रहे थे ये वाला अभी हमने खाली कर दिया देखो और यहाँ दो बंदर नीचे वाले टीप रहे और देखो अभी मैंने इतने निकाले इनको रखते हैं अपनी डलोनी में देखो इस डलोनी को रिंगाल से बनाते हैं और पहले इनमें रोटी रखी जाती थी बट अब रोटी नहीं रखते इनमें अब मैं इनमें रखता हूँ काफल तो देखो ये देखो काफल आई हाय ओ मजे क्या जा रहा है इसमें ये कच्चे भी हैं कुछ निकल गए तो दोस्तों ये रहे काफल देखो अभी और टीपते इसको फुल करते नीचे देखो बंदर तो अभी और निकालते हैं और उसके बाद में प्यार से है ना काफल भाई काफल पहले मिल ही नहीं रहे थे और हम जैसे जैसे नीचे आए ज़्यादा मात्रा में मिल लेते गाइस अभी हम काफल टीप रहे हैं तो गाइस पूरी होने वाली है बाल्टी तो एसबी पार्टी की तो भर गई तो हमारी आधी भरी एक इधर है तो एसबी पार्टी दिखा दीजिए इन लोगों को तो वहाँ सबसे ज़्यादा काफल हो रखे हैं बट हम वहाँ जा नहीं पा रहे ऊपर जाएंगे अब हम केवल यहाँ से निकाल रहे हैं इस साइड और यहाँ के हमने साफ कर लिए और अभी फ़ोन से शूट हो रहा है गोप्रो नीचे है तो सुनो भाई कैसा स्वैग है आज का जोर से बोले यार बढ़िया इतने स्वाद आ रहा है इतने स्वाद आ रहा है काफल में तो मुंह के अंदर जा रहे हैं वहीं पिघल जा रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे
तो दोस्तों का फल तो हमने निकाल दिए, देखो मैंने इसमें रखे हुए एंड मुकेश भाई ने भी निकाल दिए। अब हम डिनर कर रहे हैं, यानी कि जो हमने घर से ला रखा है अपने लिए रोटी सब्जी पराठे वगैरह। यहाँ पानी नहीं मिलता है तो हमने वो वहाँ पे धारा से भर लिया था बोतल में पानी। एंड इसको यहाँ भी चैन नहीं है, फ्री फायर खेलने पर लगा हुआ है। देखो वो रहा पानी, तेरे का फल कहाँ है। अच्छा तो अभी दो भाई वहाँ जा रखे, वो काफल निकाल रहे थे तो हमने उनको बुलाया कि आ जाओ खाते रोटी वगैरह जो भी ला रखा है। चलो तो पहाड़ों में मैगी खाने का भी अलग ही अंदाज है। मैंने घर से मैगी भी ला रखी है और यहाँ पे ना चाय भी बना रखी है, मतलब ला रखी है यार घर से। वो देखो अब दूध नहीं था रहे तुम्हारे घर में, दूध नहीं था शायद से, मैं तो चाय पीता नहीं हूँ। तो इसको निपटाते और उसके बाद मिलते आपसे। चलो तो दोस्तों काफल हम लोगों ने निकाल दिए है, अभी हमारी तैयारी हो रही है घर जाने के लिए। और हालत बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि ना पानी से तो इन लोगों ने हाथ धुल लिए थे, तो अभी पीने के लिए भी पानी नहीं है। तो अभी हालत बिल्कुल टाइट हो रही है और हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, वहाँ तक पहुँचना है हमें। यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, अभी नीचे जा रखे थे बहुत नीचे। और देखो पिरुल इतना गिरा हुआ है ना, इसमें पिसल रहे लौंडे लोग, जितना जा रहे हो उतना नीचे भी आ जा रहे कभी कभी, मतलब किसी टाइम ना, अभी ना, अभी तो हल्का सा है यहाँ पे। तो चलो आगे चलते और मिलते हैं आपको आगे। यार मन नहीं कर रहा ब्लॉगिंग करने का भी। चलो तो दोस्तों हम धारा पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने मुंह हाथ धुला। अब यहाँ से चलते आगे और अजय कोठियाल आ ही नहीं रहा है वो देखो। तो चलो चलते हैं और जो छप्पर ज़्यादा समय दिखाया था उसी छप्पर के सामने हम जाएंगे। अब सोचो आप 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर उधर, भाई साहब कितना ट्रैक किया होगा हम लोगों ने, है ना अनिल भाई, कितना ट्रैक किया होगा हम लोगों ने। बहुत ज़्यादा घर पे जाके सोना है बस और कुछ नहीं। ओ भाई 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 देखो घने जंगल, राकेश लिंडे, ओ राकेश लिंडे।